हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन के लिए सीबीटी या लेवल 2 के लिए आपकी एग्जाम ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 29 के बारे में। दोस्तों, लास्ट क्लासेस में हमने इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट के बारे में जाना, जहाँ पर हम लोगों ने हीट इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, मोटर इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कई सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में जाना, और हम लोगों ने साथ ही साथ अल्टरनेटिव करंट यानी एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा की प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, और उनके जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज थी लाइक उसकी फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और आपका फेज डिफरेंस और उसकी क्या पावर होती है, उसके लिए भी फॉर्मूला क्रिएट किया था। तो वो सभी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ ली हैं। उसी को कैरी करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक आने वाला है उसका नाम है दोस्तों फ्यूज। दोस्तों, आप सभी के घर में इलेक्ट्रिकल सर्किट तो सभी के घर में होता है, ठीक है, जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो वहाँ पर एक फ्यूज का यूज़ किया जाता है। और वो फ्यूज का यूज़ क्यों किया जाता है आज मैं आपको बताता हूँ। आप में से कई सारे लोगों को पहले ही से पता होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी फिर से मैं बता देता हूँ तो आप लोग फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों, फ्यूज क्या होता है? वैद्युत प्रौद्योगिकी मतलब इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिकी फ्यूज, जो आपका फ्यूज रहता है वो परिपथ का एक मतलब जो सर्किट रहता है उसका एक क्या रहता है, संरचनात्मक प्रोटेक्टिव अवयव है, मतलब उसका क्या है, प्रोटेक्टिव एलिमेंट है जो एक नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को क्या कर देता है, तोड़ देता है। इसका मतलब दोस्तों सिंपल वर्ड में ये जानिए कि जो आपका फ्यूज रहता है अगर वो सर्किट में कोई मतलब जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है करंट की उससे ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो वो क्या कर देता है, फ्यूज आपका सर्किट को ब्रेक कर देता है। उससे क्या होता है, जो आपकी दूसरी सारी चीज़ें जो आपकी सर्किट से कनेक्ट रहती हैं जैसे कि आपके उपकरण कोई सा भी हुआ तो वो डैमेज होने से, खराब होने से बच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में भी यही लिखा है, इस प्रकार परिपथ में स्थित अन्य मूलवान अवयव अत्यधिक धारा के कारण खराब होने से बच जाते हैं, ठीक है। फ्यूज शब्द फ्यूजेबल लिंक का लघु रूप है, ठीक है। मोटे तौर पर एक धातु की तार या पट्टी इसका मुख्य भाग है जो अधिक धारा बहने की दशा में पिघल जाती है और इस प्रकार परिपथ क्या हो जाता है, आपका टूट जाता है, ठीक है। यानी वो क्या होती है, पिघल जाती है और उसके परिपथ क्या होता है, आपका टूट जाता है। जैसे कि आपको ये इमेज में ऊपर दिख रहा होगा, ये क्या होता है, हीटअप हो जाता है। सबसे पहले ये हीटअप हो जाता है तो क्या हो जाता है, सर्किट क्या हो जाता है, इसकी वजह से ब्रेक हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और किस लिए लगा जाता है, जैसे कि जे सारे एलिमेंट इसमें लगे हैं इनको खराब होने से बचा सके, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्यूजों का वर्गीकरण, किस प्रकार से जो फ्यूज है उनका क्या, किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो दोस्तों, फ्यूजों का वर्गीकरण दो ग्रुप में किया जा सकता है। पहला ग्रुप आपका वह ये हैगा, वे जिन्हें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सर्किट को संरक्षण देने के लिए डिजाइन किया गया हो। पहला टाइप आपका फ्यूज का है कि जिन्हें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से सर्किट को संरक्षण देने के लिए डिजाइन किया हो, और दूसरा आपका है वे जिन्हें केवल शॉर्ट सर्किट से सर्किट को संरक्षण देने के लिए डिजाइन किया हो। इसका मतलब क्या है, जो आपका दूसरा टाइप का फ्यूज है उसका मतलब सिर्फ है शॉर्ट सर्किट से बचाना, ठीक है, और दूसरे पहले वाले का है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से बचाना, ठीक है। अब पहली कंडीशन में जो पहले टाइप की आपकी फ्यूज है उसमें क्या होता है, पहली कंडीशन है फ्यूज तत्व 25% ओवरलोड से अधिक पर सर्किट को क्या कर देता है, ओपन करता है। यानी जो पहले टाइप की आपके फ्यूज है अगर उसमें 25% ओवरलोड होगा तो वो सर्किट को क्या कर देता है, खोल देता है, ठीक है। और दूसरी स्थिति में क्या होता है, नॉर्मल करंट की अपेक्षा अधिक करंट पर फ्यूज वायर क्या होती है, पिघलती है। यानी नॉर्मल करंट की अपेक्षा करंट पर क्या होती है, फ्यूज बार आपकी पिघल जाती है सेकंड टाइप फ्यूज में, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फ्यूज रेटिंग, ठीक है। छोटे छोटे से टर्म्स हैं दोस्तों, क्लियर करना जरूरी है, अगर एग्जाम में पूछ लिए कि आपका फ्यूज रेटिंग क्या होती है तो आप लोग कम से कम बता तो सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, फ्यूज रेटिंग क्या होती है, पिघलने और सर्किट के खुलने से पहले फ्यूज द्वारा लिए जाने वाले अधिकतम करंट को क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं, ठीक है। फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में की जाती है, जैसे कि 1 एम्पियर या 2 एम्पियर फ्यूज, ठीक है। जैसे कि आपको इमेज में मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, इमेज पे लिखा है, देखिए जैसे लिखा है 3A, मतलब क्या है, 3 एम्पियर का आपका ये फ्यूज है, 5A मतलब 5 एम्पियर का है, इसका 13 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है। रेटिंग को फ्यूज पर अंकित किया जाता है, जैसे कि आपको दिख रहा है फ्यूज पर आपकी रेटिंग अंकित की गई है, ठीक है। करंट को माप रहे हैं, ठीक है, बेसिकली यही बता रहे हैं फ्यूज रेटिंग में। अब आ जाते हैं फ्यूजों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्यूजेस क्या होता है। प्रायः निम्नलिखित दो प्रकार के फ्यूज प्रयोग में लाए जाते हैं, एक आता है आपका रीवायरेबल फ्यूज और एक होता है कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। रीवायरेबल फ्यूज आपने सामान्यतः देखे होंगे, ठीक है, कई सारे लोगों ने घरों में लगे रहते हैं ये रीवायरेबल फ्यूज, और एक होता है कार्ट्रिज फ्यूज, ठीक है। थोड़ा डिटेल से हम लोग जानते हैं, कार्ट्रिज फ्यूज भी सभी लोगों ने देखा होगा, वैसे रीवायरेबल फ्यूज के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, रीवायरेबल फ्यूज क्या होता है, इन फ्यूज को दोस्तों सेमी इनक्लोज्ड या किट कैट, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कई सारे लोगों ने इसको पहले से देखा होगा, ठीक है।
तो फिर से इसके बारे में बताता हूँ कि इन फ्यूज को क्या कहते हैं, सेमी इनक्लोज या किटकैट फ्यूज भी कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन से फ्यूज को किटकैट फ्यूज कहते हैं, तो आपके ऑप्शन में अगर रीवायरेबल फ्यूज होगा तो आप आंसर बिल्कुल बेहिचक लगा सकते हैं, ठीक है। तो इनको किटकैट फ्यूज भी कहते हैं और इनका प्रयोग घरेलू संस्थापनों में किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के फ्यूज में फ्यूज वायर को ना तो पूर्णतः बंद किया होता है और ना ही हवा में खुला रखा जाता है, ठीक है। इस टाइप के फ्यूज में, ठीक है, इस प्रकार के फ्यूज में कॉपर कंडक्टर का फ्यूजिंग करंट रेडिएट करंट का लगभग 2 गुना होता है और टूटने की क्षमता बहुत कम होती है, ठीक है, इस टाइप के फ्यूज में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक और बार रिवायरेबल फ्यूज, ठीक है, ये बिल्कुल आपने देखा होगा सभी ने, ठीक है। यहाँ पर इसकी फ्यूज वायर लगी है, ये इसका बेस है, ये इसका फ्यूज कैरियर से, और ये क्या है, दोनों कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट्स में ही तो लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कार्ट्रिज फ्यूज। कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है दोस्तों, ये एक एनक्लोज प्रकार का फ्यूज है, ये भी दो टाइप का होता है आपका, एक होता है डी टाइप कार्ट्रिज फ्यूज और एक होता है आपका लिंक टाइप कार्ट्रिज फ्यूज। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये आपका डी टाइप कार्ट्रिज फ्यूज है और ये आपका लिंक टाइप कार्ट्रिज फ्यूज है, ठीक है। आपको सिर्फ इतना से याद रखना है कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है, एक इनक्लोज प्रकार का फ्यूज है, ठीक है दोस्तों। जो भी मैं बता रहा हूँ और जितना भी बता रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डीजीटी निमी पैटर्न के अनुसार ही जितना भी बता रहा हूँ, बिल्कुल इससे आउट ऑफ सिलेबस आपका नहीं जाने वाला, ठीक है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से नोट बनाते हुए चलिएगा, ठीक है। दो प्रकार का होता है, एक होता है डी टाइप जैसा कि आपको इमेज में ये वाली दिख रहा होगा और लिंक टाइप, तो ये लिंक वाला ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सर्किट ब्रेकर। दोस्तों सर्किट ब्रेकर क्या होता है, इमेज में आप देख सकते हैं ऊपर आपको सबसे पहले सर्किट ब्रेकर दिख रहा होगा, ठीक है। सर्किट ब्रेकर अब क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा, सर्किट ब्रेकर वैसा ही कार्य करते हैं जैसा कि आपका फ्यूज करते हैं, अंतर केवल यह है कि सर्किट ब्रेकर अपना कार्य करने के प्रत्येक समय नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। तो सर्किट ब्रेकर अपना कार्य करने के प्रत्येक समय नष्ट नहीं होती है, जबकि फ्यूज क्या होता है कि अपना कार्य करते समय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, ठीक है, तो डैमेज हो जाते हैं वो, लेकिन सर्किट ब्रेकर ऐसा नहीं करते, ठीक है दोस्तों। जब ओवरलोड होता है तो सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक स्विच की तरह कार्य करता है जो कि स्वयं ऑफ हो जाता है, सभी ने देखा होगा इसका यूज, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है अगर लाइन में, तो ये अपने आप ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, यानी ये खुद डैमेज नहीं होता है और सर्किट को भी डैमेज नहीं होने देता है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर को सुगमता से पुनः सेट करके पावर को फिर से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ऐसा करने के लिए एक बटन को दबाया जाता है या पूर्णतः ऑफ पोजीशन पर लीवर को मूव किया जाता है और तब ऑन पोजीशन पर लाया जाता है सर्किट ब्रेकर में, ठीक है दोस्तों। तो सर्किट ब्रेकर भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पर देख लीजिए और अच्छे से इमेज को, इस तरह से दिखता है सर्किट ब्रेकर आपका। नेक्स्ट आता है आपका, अधिकतर दोस्तों सर्किट ब्रेकर्स निम्नलिखित सिद्धांत पर कार्य करते हैं। दोस्तों सर्किट ब्रेकर्स भी कुछ प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल है, पहला है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत और एक है थर्मल सिद्धांत, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत के बारे में। दोस्तों जब पर्याप्त कुछ करंट बह रहा होता है तब डिवाइस में कॉइल के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, पैदा हो जाता है, जनरेट हो जाता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिससे सर्किट क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर आपका सर्किट ब्रेकर वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका थर्मल सिद्धांत। थर्मल सिद्धांत में दोस्तों क्या होता है, जब करंट का बहाव बहुत अधिक हो जाता है तब गर्मी पैदा होती है जिसके कारण बी मेटेलिक स्ट्रिप गर्म हो जाती है और सर्किट को क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है, ठीक है दोस्तों। तो थर्मल सिद्धांत और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर आपके सर्किट ब्रेकर वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों आपका टॉपिक आता है जिसका नाम है रिले, ठीक है। हम लोगों ने फ्यूज पढ़ लिया, सर्किट ब्रेकर पढ़ लिया, अब आपका आता है रिले, काफी इंपॉर्टेंट है रिले भी। दोस्तों रिले क्या होता है, रिले एक उपकरण है या फिर एक डिवाइस है जो कि मेन सर्किट में, जो आपका सर्किट रहता है तो उसमें पूर्व निर्धारित दशाओं के अंतर्गत सहायक सर्किट को खोलती या बंद करती है, क्या, आपकी रिले, ठीक है। रिले का अधिकतर प्रयोग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य क्षेत्रों में किया जाता है, ठीक है। दशाओं जैसे वोल्टेज, करंट, तापमान, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति इत्यादि के लिए रिले क्या होती है, संवेदनशील होती है आपकी रिले। रिले आपको दिख रही होगी इमेज में, ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। एक और इमेज से आप लोग क्लियर कर सकते हैं रिले किस तरह से दिखती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। अब रिले की भी कई टाइप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले क्या होती है दोस्तों, इसमें मूवेबल और फिक्स लो रेजिस्टेंस संपर्कों का कॉम्बिनेशन होता है। इसमें क्या होता है, मूवेबल यानी एक साइड इसका चलता है और एक साइड क्या होता है, फिक्स। लो रेजिस्टेंस मतलब कम जो प्रतिरोध वाले का संपर्कों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, जो कि सर्किट को खोलता और बंद करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले में, ठीक है। फिक्स संपर्क, ठीक है, यानी फिक्स ज्वाइंट, दोस्तों फिक्स ज्वाइंट करिए, जो कि लेक्सिबल होते हैं, जिनको स्प्रिंगों या ब्रेकेटों पर माउंट किया जाता है, ठीक है।
मूवेबल संपर्क जिनको एक स्प्रिंग या एक हिंज आर्म पर माउंट किया जाता है, इसको इलेक्ट्रोमोटिव द्वारा मूव किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रोमोटिव द्वारा इसको क्या किया जाता है, मूव किया जा सकता है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ठीक है, एक साइड होता है इसका फिक्स, एक साइड होता है आपका मूवेबल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमोटिव से क्या किया जाता है, इसको मूव किया जाता है। तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी थोड़ा सा समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आती है आपकी थर्मल रिले। ठीक है, इमेज में आपको थर्मल रिले दिख रही होगी, एक टॉप पे एक बॉटम पे। ठीक है, अब किस तरह से वर्क करती है तो वो आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये तापमान में बदलाव के द्वारा ऑपरेट होती है, मतलब यहाँ पर अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो आपकी थर्मल रिले यूज होगी। ठीक है, ये अधिकतर बी मेटेलिक रिलेज होती हैं जो कि तापमान में बदलाव के अनुसार अपना आकार बदलती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रसार होता है। ठीक है, क्योंकि आवश्यक तापमान तक पहुंचने के लिए समय लगता है, इसलिए इनका प्रयोग टाइम रिले की तरह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थर्मल रिले के लिए ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी थी थर्मल रिले की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका बस बार। दोस्तों बस बार क्या होता है तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। औद्योगिक वर्कशॉपों में प्राय एक दूसरे के नजदीक कई मशीनों को स्थापित किया जाता है, पर ये कार्य अलग अलग करती हैं। ठीक है, जैसे कि आपको इमेज में मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा क्या कई मशीनें एक साथ काम करती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर इमेज में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, फिर से इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक ओवरहेड लगी हुई बस बार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसे जमीन से 2.75 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है। ठीक है, बस बार को ये आयताकार सेक्शन की होती है और इन्हें कॉपर या अल्यूमिनियम अलॉय से बनाया जाता है आपकी बस बार को। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड बस बारें दोस्तों 5 से 12 क्या होती है, 500 वोल्ट के रेटेड वोल्टेज के साथ 100, 200, 400, 600, 800, 1200, 1600, 2400 और 3600 एम्पेयर की पाई जाती है आपकी स्टैंडर्ड बस बारें। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रही आपकी एक बस बार का नमूना। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर और अच्छे से डिटेल से देख सकते हैं, ये पूरी आपकी बस बार की इमेजिंग दिखाई गई है। ठीक है, बस बार लगी हुई है आपकी। ठीक है, क्या होता है इसमें दोस्तों, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, इसमें क्या होता है, एक दूसरे के नजदीक कई मशीनों को स्थापित किया जाता है और इसमें क्या होता है, कार्य अलग अलग करती है। ठीक है, तो ये आपकी थी बस बार की वर्किंग प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है दोस्तों, जिसे कहते हैं भू संपर्कन। ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट नाम है भू संपर्कन, लेकिन इस इंग्लिश में अपन पढ़ते हैं तो अर्थिंग कहते हैं इसको दोस्तों। अर्थिंग का उद्देश्य क्या होता है, किसी व्यक्ति उपकरण और सर्किटों, यानी क्या होता है, किसी मैन उपकरण मतलब आपके जितने भी आपके इक्विपमेंट है, और सर्किटों को संभावित खतरनाक या अत्यधिक वोल्टेज से बचाने के लिए संरक्षण प्रदान करना होता है अर्थिंग का मतलब। ठीक है, विद्युत आपूर्ति तंत्र के संदर्भ में भू संपर्कन तंत्र यानी अर्थिंग सिस्टम दोस्तों, या ग्राउंडिंग सिस्टम, अर्थिंग सिस्टम कहते हैं या फिर ग्राउंडिंग सिस्टम बोलते हैं, उस परिपथ को कहते हैं जो कि जो किसी विद्युत परिपथ के किसी भाग का धरती के साथ विद्युत संपर्क स्थापित करता है। ठीक है, भू संपर्कन कई तरह से किया जाता है, कौन सा भू संपर्कन यानी अर्थिंग उपयोग होगा वह अनेक बातों पर निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए क्या होता है, किस टाइप के आपके भू संपर्कन होते हैं, आगे मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इस तरह से क्या होता है, सर्किट को अर्थ घेर दिया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, एक साइड को, ठीक है, इससे करंट क्या हो, अर्थ में जाए। ठीक है, अर्थिंग दोस्तों दो टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है, सिस्टम अर्थिंग। ठीक है, सिस्टम अर्थिंग के बारे में जानते हैं सबसे पहले। इसमें नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशनों के अंतर्गत, यानी अगर कोई नॉर्मल ऑपरेशन करना है उसके अंतर्गत क्या होता है, जमीन के साथ अधिक वोल्टेज को सीमित कर रखने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम की तारों में से एक तार की अर्थिंग की जाती है, जैसे कि न्यूट्रल टर्म की। ठीक है, जैसे कि आपको मैं इमेज दिखाता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूट्रल वायर जो दिख रही है, इसकी अर्थिंग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए जमीन से अर्थिंग कर दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं ये। तो ये किस टाइप का आपको जो इमेज दिख रही है, ये आपकी है सिस्टम अर्थिंग। ठीक है, एक वायर की क्या कर दी गई है, अर्थिंग कर दी गई है न्यूट्रल वायर की। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक तार की अर्थिंग कर दी जाती है, जैसे कि न्यूट्रल वायर आपने देखी। टर्म न्यूट्रल का प्रयोग दोस्तों क्या किया जाता है, सिंगल फेज सिस्टम में किया जाता है, और इसका अर्थ है कि कंडक्टर को एक या अधिक पॉइंट पर जमीन के साथ अर्थ इलेक्ट्रोड द्वारा जोड़ा जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक या एक से अधिक अर्थ इलेक्ट्रोड्स के साथ इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, न्यूट्रल वायर आपकी अर्थ से कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो ये आपका रहा सिस्टम अर्थिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है उपकरण की अर्थिंग, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपमेंट अर्थिंग। क्या होता है दोस्तों इक्विपमेंट अर्थिंग में, और क्या आपका डिफरेंस है सिस्टम अर्थिंग में, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ये एक स्थायी और लगातार बॉन्डिंग है। ये कैसी है, एक स्थायी यानी आपकी स्टेबल और लगातार यानी कंटिन्यूसली बॉन्डिंग है, जिसमें सिस्टम अर्थिंग इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रिकल उपकरण के बिना करंट वाले पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पूरा कनेक्ट है। धातु की एक प्लेट, पाइप या अन्य कंडक्टर्स जो कि जमीन के साधारण द्रव्यमान के साथ इलेक्ट्रिकली हुए हो, एक अर्थिंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका पूरा जो इमेज दिखाई गई है वो आपकी है इक्विपमेंट अर्थिंग की। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका वैद्युत चालक, मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स। क्या होते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स? दोस्तों विद्युत चालक यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स वे पदार्थ हैं यानी वो मटेरियल हैं जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है, यानी आसानी से फ्लो कर सकता है आपका करंट, तो वही आपकी क्या है कंडक्टर है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कुछ नाम जान लीजिए। तांबा हुआ, अल्यूमिनियम, जस्ता, सोना, चांदी आदि विद्युत चालक हैं, ज्यादातर आपके मेटल्स ही होते हैं। ठीक है, विद्युत चालक पदार्थ में से अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा पाए जाते हैं, इसलिए क्या हो सकता है यहाँ पर आपके इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, फ्लो कर सकती है। विद्युत ऊर्जा द्वारा चलने वाले प्रत्येक उपकरण का निर्माण चालक पदार्थ द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक अच्छे चालक में निम्नलिखित गुण होने चाहिए, इसमें कुछ गुण भी होना चाहिए आपके चालक में यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में। तो दोस्तों कौन कौन से गुण होना चाहिए, इसमें कम विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, जंग के प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, फ्री ऑफ रस्ट होना चाहिए, चादर बनने योग होना चाहिए, उसके मतलब जो भी आपका कंडक्टर हो उसकी पतले पतले चादर बना सके। ठीक है, अधिक यांत्रिक शक्ति होना चाहिए यानी उसकी मैकेनिकल पावर ज़्यादा होना चाहिए उस कंडक्टर की, अधिक गलनांक मिद्यु होना चाहिए मतलब वो मेल्ट ज़्यादा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट हो वो ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आसानी से वो गल ना सके। ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो यानी आसानी से मिल जाए आपको, कम कीमत हो उसको, तार खींचने योग हो यानी क्या हो उसके पतले पतले तार खींचे जा सके, सोल्डर किए जाने योग हो और उसकी प्रचुर मात्रा में पाया जाता हो, ये सारे आपके गुण होना चाहिए एक अच्छे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के। ठीक है, तो पेपर में से आपसे कोई सा भी पूछ सकता है और पूछ सकता है कौन सा गुण नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब कंडक्टर का कुछ एक फॉर्मूला है, कंडक्टर का प्रतिरोध जिसे बोलते हैं कंडक्टर्स रेजिस्टेंस। दोस्तों कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला समझिए, रेजिस्टेंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपके दो चीजों पर निर्भर करता है, एक होता है कंडक्टर की लंबाई के प्रत्यक्ष अनुपातिक यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंडक्टर की किस पे, लंबाई के। ठीक है, और उसके क्रॉस सेक्शन की, जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है यानी क्षेत्रफल होता है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती यानी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे क्या हो गया, आर इक्वल टू एल अपॉन ए, और यहाँ पर एक रो और जो आ जाएगा। ठीक है, रो क्या है दोस्तों, आपकी रेजिस्टिविटी है। यहाँ पर आप फॉर्मूला दिखा देता हूँ, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे कई सारे न्यूमेरिकल एग्जामों पे पूछे जाते हैं, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कंडक्टर के लिए, रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेजिस्टेंस का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिस्टेंस। किस टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, रेजिस्टेंस के ओमिक मान पर आधारित इसका वर्गीकरण निम्नलिखित तरह से किया जा सकता है। एक आता है आपका लो रेजिस्टेंस, दोस्तों लो रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये एक ओम या एक ओम से कम होता है। ठीक है, मीडियम रेजिस्टेंस में क्या होता है, एक ओम से अधिक और 100,000 ओम तक होता है, और हाई रेजिस्टेंस में आपके 100,000 ओम से अधिक होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वर्गीकरण काफी सिंपल था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है प्रतिरोधक, जिसे बोलते हैं रेजिस्टर्स। ठीक है, क्या होता है दोस्तों रेजिस्टर्स, एक प्रतिरोधक टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप करके इलेक्ट्रिक करंट के बहने में बाधा डालता है आपका रेजिस्टर, जो आपका रेजिस्टर होता है प्रतिरोधी को बोलते हैं, जो प्रतिरोध डिवाइस होता है उसको ही बोलते हैं रेजिस्टर सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, वो क्या करता है, टर्मिनलों के बीच वोल्टेज ड्रॉप करके यानी वोल्टेज को कम करके इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो कर रहा है उसमें क्या कर देता है, रुकावट डालता है आपका रेजिस्टर। ठीक है, और ये वर्क किसके प्रिंसिपल पे करता है, तो दोस्तों ये ओम के नियम पर वर्क करता है। कौन सा होता है ओम का नियम, लास्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था आपका V इक्वल टू आई आर। ठीक है जी, V क्या स्टैंड कर रहा था आपका वोल्टेज, I स्टैंड कर रहा था आपका इलेक्ट्रिक करंट, और R स्टैंड कर रहा था आपका रेजिस्टर। ठीक है, तो आपको रेजिस्टर भी आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब दोस्तों रेजिस्टर का मान, प्रतिरोधक का रंग कोड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि जो प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो ओम में मापा जाता है। ठीक है, प्रतिरोधक के मान समांतर रंग बैंड द्वारा दर्शाए जाते हैं, प्रत्येक रंग एक नंबर व्यक्त करता है, अधिकतर प्रतिरोधों के चार बैंड होते हैं। पहला बैंड क्या करता है, पहला आंकड़ा व्यक्त करता है, दूसरा बैंड दूसरा आंकड़ा व्यक्त करता है, तीसरा बैंड ये व्यक्त करता है कि कितने शून्य है, और चौथा बैंड प्रतिरोधक की
टॉलरेंस यानी कि आप करता है परिशुद्धता व्यय करने के लिए होता है। यहाँ पर आप ये चार्ट देख सकते हैं, ठीक है, कई सारे चार्ट होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक के लिए कितना है, व्हाइट के लिए कितना है, ब्लैक के लिए आप देख सकते हैं जीरो है, ब्राउन के लिए आपका वन है, रेड के लिए आपका टू है, ऑरेंज के लिए आपका थ्री है, येलो के लिए आपका फोर है, ग्रीन के लिए आपका फाइव है, ब्लू के लिए सिक्स, वायलेट के लिए आपका सेवन, ग्रे के लिए एट और वाइट के लिए आपका नाइन है, ठीक है। तो आप लोग टॉलरेंस भी देख सकते हैं, प्लस माइनस में आपका टॉलरेंस रहता है, टॉलरेंस आप सभी को पता होगा क्या होता है टॉलरेंस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी इसकी नॉलेज जरूर समझिए, ठीक है। इसको क्या होगा कि इसको बैंड में निरूपित किया जाता है, और चार बैंड होते हैं प्रतिरोधक के, कौन कौन से होते हैं, पहला आपका आंकड़ा, दूसरा भी आंकड़ा, और तीसरे में कितने शून्य है, और चौथे में आपका टॉलरेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी पूरी टेबल मैंने आपको दिखा दी, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बैलास्ट प्रतिरोध। बैलास्ट प्रतिरोधक दोस्तों क्या होता है वो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको पूरी अच्छे से इसकी प्रोसेस समझाता हूँ। तो आप इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले बैलास्ट प्रतिरोधक आपके रियल लाइफ में कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं दोस्तों। ये रेजिस्टर यानी जो आपके ये प्रतिरोधक होते हैं वो पॉजिटिव तापमान गुणांक यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशियंट वाले पदार्थ जैसे निकिल आयरन आदि के तार से क्या होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। इनका गुण क्या होती है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये तापमान परिवर्तन से पदार्थ का रेजिस्टेंस भी परिवर्तित करते हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस भी डिफरेंस होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस में भी डिफरेंस आएगा, ठीक है। अर्थात यानी क्या होता है कि करंट का मान अधिक हो जाए तो रेजिस्टर का तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है इसमें आपके बैलास्ट प्रतिरोधक में, ठीक है। और ताप बढ़ने से उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है, जिससे कि करंट का मान घट जाता है, करंट का मान घटने से रेजिस्टेंस का मान भी घट जाता है, ये इसकी खूबी है आपकी बैलास्ट रेजिस्टर की, ठीक है। मैंने आपको रियल लाइफ में दिखा दिया, ये इसकी रही पूरी वर्किंग असेंबली, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत रोधी, जिनको बोलते हैं इंसुलेटर, कुचालक, अचालक, जो भी आपको बोलना है, ये इस सभी इनके नाम है विद्युत रोधी, इंसुलेटर, ठीक है। दोस्तों विद्युत रोधी या इंसुलेटर वे पदार्थ होते हैं जो तुलनात्मक रूप से विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करते हैं, ठीक है, या इनमें से होकर समान स्थितियों में से बहुत कम धारा प्रवाहित होती है, जैसे कि आपकी हुई लकड़ी, वेकिलाइट, एस्बेस्टस, चीनी मिट्टी, कागज, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि कुचालों की क्या है, कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। ये आपका एक रहा विद्युत रोधी यानी एक इंसुलेटर, ठीक है। तो इंसुलेटर के बारे में भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेमीकंडक्टर, जिनको बोलते हैं अर्धचालक। दोस्तों अर्धचालक क्या होते हैं, अर्धचालक उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी चालकों जैसे तांबा जैसे से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। यानी क्या होती है, सिंपल वर्ड में आप ये समझिए कि जो आपकी अर्धचालक होती है उनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, विद्युत चालकता, वो आपकी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है, ठीक है। आपकी अर्धचालक की क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो 10 से 5 से 108 ओम मीटर के बीच इसका प्रतिरोध होता है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल जान लीजिए अर्धचालक के, सेमीकंडक्टर के, तो कौन से एग्जांपल है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, ठीक है, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ उदाहरण है, ठीक है। अर्धचालकों में चालन बैंड और संयोजन बैंड के बीच एक बैंड गैप होता है जिसका मान 0 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। रियल लाइफ में कुछ इस तरह से आपके सेमीकंडक्टर दिखते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा मदरबोर्ड में, कई सारे लोगों ने देखा होगा, ठीक है, वो आपकी सिलिकॉन जर्मेनियम की चिप से बनी रहती है, वहां पर आपका सेमीकंडक्टर का भी एक यूज होता है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो आपके सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो कि आपका कंप्लीटली लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग तारों और केबलों, ट्रांसफार्मरों, एसी और डीसी मोटरों, वोल्ट मीटर, ओम मीटर, मेगर, ये सारे इंपॉर्टेंट और भी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एक छोटे से लेक्चर में पूरे कवर हो जाएंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम लोग पूरा इसके आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मोटिवेट कीजिए इसी तरह से, ठीक है। वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय।